पांच मर्दाना खूबियां जो ख्वातीन को नाकाबिल तलाफी और पुरकशिश लगती हैं। एक मजबूत मर्दाना आदमी आपको कशिश और खुशहाली की राह पर गामजन करता है। औरतें मर्दाना खसलतों की तरफ रागिब होती हैं, क्योंकि ये मर्दांगी खुद औरत के लिए एक तारीफ है। मर्दाना औरतें मर्दाना मर्दों से मोहब्बत करती हैं, क्योंकि ये मर्दांगी उन्हें महफूज महसूस कराती है जो मुस्तकबिल बनाने में कामयाब हो जाए। पहली मर्दाना खूबी एतिमाद बादशाह है। एतिमाद मर्दाना खसूसियत है। एक पुरेतमाद मर्द से ज्यादा औरत के लिए कोई चीज पुरकशिश नहीं होती। किए गए हर मुताले में एतिमाद को सबसे ज्यादा पुरकशिश खसलत के तौर पर दर्जा दिया जाता है जो एक आदमी में हो सकता है, और उसकी वजह यह है कि एतिमाद आम तौर पर काबिलियत से आता है। इंसान में एतिमाद लीडरशिप के तौर पर आता है। दूसरी मर्दाना खूबी आज़ादी मर्दाना खसूसियत है। मुज़क्कर मर्द शदीद तौर पर आज़ाद होते हैं। उन्हें मुआशरे के बाकी हिस्सों पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं होती। ख्वातीन खुद मुख्तार मर्दों से मोहब्बत करती हैं। आज़ादी अपनी ज़ात में ताकत की अलामत है, जबकि मोहताजी और चिमटे रहना कमज़ोरी की अलामत है। जब वो एक आज़ाद आदमी को देखती हैं तो अपने ख्वाबों के साथ उसे जोड़ती हैं। तीसरी मर्दाना खूबी जिम्मेदारी मर्दाना तवानाई है। जिम्मेदारी एक बहुत ही मर्दाना सिफत है। अगर कोई औरत नौकरी से हाथ धो बैठती है, अपने घर से महरूम हो जाती है, तो इसकी मदद के लिए कोई तो होगा, लेकिन एक आदमी के तौर पर यह आप पर मुनहसर है कि आप उसे उठा लें। चौथी मर्दाना खूबी दयानत इंसान को बनाती है। मर्दाना कुव्वत रखने का एक हिस्सा ईमानदार और खुला होना है। किसी से झूठ बोलने के लिए बहुत कम ताकत दरकार होती है, जबकि ईमानदारी को हमेशा ताकत की अलामत के तौर पर देखा जाता है। जब बात औरत की कशिश की हो तो एक आदमी जो इसके साथ खुला और ईमानदार है जाहिर करता है कि इसके पास वफादारी और अज़्म का एहसास है। पांचवी मर्दाना खूबी मेहरबानी मर्दांगी का असल है। जब बात मर्दों की हो तो रहमदिली एक मर्दाना खसलत है, जबकि एक मर्द जो मजबूत और मेहरबान है से ख्वातीन की तरफ से महफूज पनागाह के तौर पर देखा जाता है। सब्सक्राइब जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते अब तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।